मृदुभाषी, मिलनसार, मानवता प्रेमी, निर्मल एवं स्वच्छ छवि, सरल एवं सौम्य स्वभाव, प्रतिष्ठित व्यवसायी, अनेक संस्थाओं से जुड़े हुए, धार्मिक विचारों वाले, सुप्रसिद्ध समाज सेवी श्री राधे श्याम गर्ग जी। फर्म राहुल एग्रो इंडिया। आप चावल के थोक विक्रेता हैं। आपकी फर्म सन 1983 से नया बाजार दिल्ली में कार्यरत है। अपने 54 वर्षों के आधार पर व्यापारिक व सामाजिक कार्यों में रत अमर ज्योति डायरेक्टरी एवं जैन संजोग पत्रिका के संपादक श्री हनुमानमल जैन गोलचा आपको अग्ररत्न की उपाधि से विभूषित करते हुए। आदरणीय व्यापारी भाइयों से हनुमानमल जैन गोलछा का सादर नमस्कार। व्यापारी भाइयों, आज मैं ऐसे शख्सियत से आपका रूबरू करवा रहा हूँ, मैं साक्षात कर रहा हूँ। वो ऐसा व्यक्ति है जिनका जीवन सादा जीवन, उच्च विचार, मानव जीवन का ये सरकार, ऐसे व्यक्ति का मैं आपका साक्षात करवा रहा हूँ जिनका कितनी संस्थाओं से वो जुड़े हुए हैं, एक संस्था नहीं की अनेक संस्थाओं से। उसके बाद भी कहीं भी अहंकार, घमंड, लेश मात्र भी मैंने आज तक नहीं देखा, जबकि मेरा संपर्क से लगभग 30-35 वर्षों से चलता आ रहा है। मुझे तो अभी थोड़े पिछले साल से पता लगा, जब ही इंटरनेशनल अग्रसेन हॉस्पिटल के जब पेंटेड टेस्टी बने और जब समाज में बोला गोलछा जी आप पहचानते हो राधे श्याम जी को, राहुल एग्रो इंडिया फर्म के मालिक, मैंने कहा भाई रोज उठना बैठना दूसरे तीसरे चौथे दिन मेरा रास्ता वही रहता है, लाहौरी गेट का आना जाना रहता है, आप कह रहे पहचानते हो, अरे ट्रस्टी है। फिर वह उसे बताया कितनी संस्थाओं से वो जुड़े हुए हैं, यदि एक एक का नाम लूँ तो पूरी पूरा समय इसी में लग जाए। ऐसे व्यक्ति का नाम है श्री राधे श्याम जी, राहुल इंडिया के फर्म के मालिक, जो दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के कार्यकारी के सदस्य है। ये पद लेना नहीं चाहते यहाँ, बोले समाज सेवा में मुझे इसमें हूँ, समाज सेवा करने में मुझे अच्छा लगता है। और शाला सर सेवा समिति, उसमें भी धर्मशाला है, उसमें पेटेंट ट्रस्टी है। और कृष्ण जन्माष्टमी पंजाबी बाग एम वर्धमान, उसके भी पेटेंट ट्रस्टी है। और अग्गलवार सभा प्रशांत विहार जो फेमस है सब जानते हैं, उसके भी पेटेंट ट्रस्टी है। अग्रवाल सभा सेक्टर 8 रोहिणी के, उसके भी आप पेटेंट ट्रस्टी है। कामधेनु मंगल परिवार पंजाबी बाग, जिनकी गौशाला गाय का जो हॉस्पिटल बोलते हैं वो उसका निर्माण चल रहा है, उसमें भी आप जुड़े हुए हैं, संघर्ष कह लो, ट्रस्टी कह लो, कुछ भी है, हर समय तैयार रहते हैं। और एक मुझे सबसे बढ़िया इनका लगा, जो मानव सेवा केमिस्ट, आप कहेंगे ये क्या भाई केमिस्ट तो है, पर इसमें ये इन्होंने सुविधा जो दे रखी है, कोई भी चले जाओ, गरीब तबके का कैसे भी चले जाओ, वहाँ आपको सुविधा अनुसार पूरा कमीशन, पूरी लॉस नो प्रॉफिट में, ये बोला लॉस भी हो जाएगा हम दे देंगे, किसी का भला हो अच्छा लगता है। इतनी संस्थाओं से जुड़े हुए श्री राधे श्याम जी से आपकी साक्षात करवा करके, उनको सम्मान करके आज मुझे जो गर्व हो रहा है मैं बता नहीं सकता। राधे श्याम जी साहब नमस्कार। नमस्कार, और क्या हाल चाल है साहब? मैं आज जो है समाज और व्यापार भाइयों को दोनों को जो मैंने कहा, इतनी ट्रस्ट जुड़ने के बाद आप ऐसे कैसे काम कर लेते हैं, आपकी दिनचर्या कैसी है, ये जरा बताने की कृपा करें। नहीं, ऐसा है, समाज के साथ साथ अपने काम के साथ साथ समाज का भी काम चलता रहता है। सुबह से हम जो भी टाइम हो सकता है, सबसे पहले तो अपने जो मानव सेवा केमिस्ट है उस पर पूरा नो लॉस नो प्रॉफिट, ताकि जो नीच जरूरतमंद आदमी हैं उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। ये आपके मन में विचार कैसे आया जी, इतनी संस्थाएं आपने सब ट्रस्टी ट्रस्टी सब में पेटेंट ट्रस्टी कई संग्रह और धर्मशाला में आपने ऐसी धर्मशाला बना रखी है जो मैं सुनने में आया है कि बाथरूम में इतना पानी मिलेगा, जबकि सारा साल में ऐसा नहीं है, उसमें भी आप जुड़े हुए हैं, ट्रस्टी है, पेटेंट ट्रस्टी है, ऐसा क्या कारण है? ऐसा है, हमने ये ऐसे नो लॉस नो प्रॉफिट की दुकान पंजाबी बाग में खुली हुई थी, हमने देखा तो हमने विचार आया कि भाई क्यों ना हम, क्या उन आदमियों का ट्रस्ट है, ये मैं उसका प्रधान हूँ, तो उसमें ये विचार आया कि भाई हम अपने इलाके में जो बहुत बड़ा इलाका है रोहिणी पीतमपुरा यहाँ खोली जाए, तो हमने जल्दी से जल्दी 6 महीने पहले यहीं शुरू किया। अरे ये केमिस्ट का जो विचार है वो कैसे जी? केमिस्ट का ही आया, पंजाबी बाग खुली हुई है, पहले ऑलरेडी चल रही थी, वहाँ से देख के हमने सोचा कि भाई यहाँ भी अपने इलाके में खोली जाए ऐसे ही।
ये अच्छा चल रहा होगा? हाँ नहीं, बहुत बढ़िया चल रहा है। कम से कम रोजाना 250 से 300 कस्टमर रोजाना दवाई लेके जाते हैं। अच्छा जी, तो आपका क्या आगे क्या उद्देश्य है आपका? अभी तो अभी इसी को है कि भाई इसी को दुकान को जैसे और बड़ी करके ज्यादा से ज्यादा जितना भी हो सकता है डेली 1000 आदमी डेली यहाँ से दवाई ले। ये व्यापार का फिर कैसे रहता है जी, कैसे करते हो, कैसे कर लेते हो? नहीं, स्टाफ रखा हुआ है, बाकी सुबह शाम हम देखते हैं 2-4 आदमी जो भी हैं। सब अच्छा बढ़िया बढ़िया चल रहा है सारा। देखा व्यापारी भाइयों, आपने मैंने जैसा कहा वैसे पाया होगा, आपका कितना सादा जीवन, कितने सरल स्वभाव से सब कुछ बता दिया। इनकी सेवा में रग रग में रमी हुई है, इसलिए मैं अमर ज्योति डायरेक्टरी और जैन सुजो पत्रिका परिवार की तरफ से इनको सम्मानित कर रहा हूँ। और ये तो मैं व्यक्तिगत कर रहा हूँ, आने वाले समय में जो एक विशेष कार्यक्रम होने जा रहा है सवारी का जो 53 साल मैंने लगाया है, उसमें विशेष रूप से मैं आमंत्रित करूँगा, उसमें आप विशेष देखेंगे, इनके मुखारविंद से सुनेंगे। धन्यवाद राजेश जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है।